जब भी दंगे हुए बीजेपी ने दंगे करवाए, हरियाणा में नू में बीजेपी ने दंगा करवाया। जो इसके खिलाफ जाता है, जो इससे नहीं डरता ना, वो उसको मरवाता है। ये सिर्फ वोट के लिए बीजेपी वाले दंगे करवा रहे। वो पहले पप्पू कह के है ना ये इलेक्शन जीत गया था, अब उसकी नाक में मोदी की नाक में दम कर रखा है राहुल गांधी ने। अरे ये तो जुमला है इसका जुमला है, ये नहीं देगा कुछ भी। ये वोट लेने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देगा। ये तो 15 लाख भी हमारी जेब में आ चुके हैं, वो भर गई हमारी जेब इन बातों से। अब देंगे तो वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मोदी जी को खाली झोला खाली करवा के भेजेंगे। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पे जाट महाधिवेशन के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 10 से 12 हज़ार के लोग कह रहे हैं कि आए हुए हैं और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। हम आए हैं, हमारा पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण चाहिए जाटों को। सभी जो खेती करने वाली कौम हैं उनको सबको आरक्षण मिला हुआ है और उनमें सिर्फ एक जाट जाति बाकी है जो आरक्षण से वंचित है। खेत है आपके पास, जमीन है आपके पास, ट्रैक्टर है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर सक्षम है, आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण चाहिए अगर खेती है ना, खेती अगर आप खेती करोगे, आपके पास कर्जा नहीं है ना, खेती कर लो आप कर्जवान हो जाएंगे तो आमदनी कहाँ रहेगी? जमीन पैदा देनी छोड़गी, जो नरमा होया करती वो बंद होगी, चने होया करते वो बंद हो गए, खाद था सस्ता था, आज खाद हाई लेवल पर जा रहा है, वो भी नहीं मिलता और वो टाइम पर नहीं मिलता किसान को। तो किसान ला लो, जाट ला लो, तो और बेचारा कहाँ जाए? आरक्षण हमारे बच्चे MA BEd PhD हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती। एक जो 90% मार्क्स लेके बच्चा पढ़ के जाता है और 35 वाला 40 वाला आरक्षण में नौकरी पा जाता, हमारे 90% वाले रह जाते हैं। सरकार कह रही है जो नकारा है उसे ही नौकरी नहीं मिल रही। सभी नकारा कहाँ, हमारे तो पढ़े लिखे में नंबर वन है हिंदुस्तान में जाट। जाट आज जितने आप लगा लो रिजल्ट UPSC का और बड़ी बड़ी पोस्टों में सबसे ज्यादा पढ़ाई में आज जाट आगे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार आएंगे प्रधानमंत्री बनके, तो जो अधूरे काम है वो पूरे होंगे। ये तो 15 लाख भी हमारी जेब में आ चुके हैं, वो भर गई हमारी जेब इन बातों से। अब देंगे तो वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हिंसा करवा रही है। यो बीजेपी करवा रही है। ये आप हमारा हिंदुस्तान में आज से पहले जो कर पहले था ना, जब भी दंगे हुए बीजेपी ने दंगे करवाए, हरियाणा में नू में बीजेपी ने दंगा करवाया। अगर वो ठीक होता तो आज दंगे नहीं होते। ये सिर्फ वोट के लिए बीजेपी वाले दंगे करवा रहे। पहले रावण, अब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता रहे हैं मोदी जी। वो पहले बच्चा था, वो पहले पप्पू कह के है ना ये इलेक्शन जीत गया था, अब उसकी नाक में मोदी की नाक में दम कर रखा है राहुल गांधी ने, 4-5 इलेक्शन जीतेगा। मैं बोल लूंगा एक बार, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि मैं तीसरे नंबर पे टारगेट में हूँ, जान को खतरा है। हो सकता है बिल्कुल मरवा सकता है ये, क्योंकि ये जो इसके खिलाफ जाता है, जो इससे नहीं डरता ना, वो उसको मरवाता है ये। और जाटों की फौज उसके मलिक के साथ है, मलिक अकेला नहीं है। बीजेपी कह रही है अडानी अंबानी का विकास देश का विकास। अरे उसका सारा पैसा अडानी का तो मोदी के इलेक्शन में आता है, और ये कहाँ से पुड़िया बांध के लिए आया? सारा अडानी अंबानी का पैसे से तो इलेक्शन लड़ रहा है ये, उनको एक हाथ से दे रहा है नीचे से ले रहा है और वो लोगों के वोट खरीद रहे हैं। आपके लिए 18-18 घंटे तक काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री।
हमारा आरक्षण तो दो, एक एक मिनट का काम है, हमें 18 घंटे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक घंटा बैठ के सर कैबिनेट बुला और हमारा आरक्षण दे, बाकी उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मोदी जी कह रही गरीबों को बांट रही है कांग्रेस, गरीबों को तो कांग्रेस हमेशा बांटती आई है, अनाज बांटिया कर दी, नौकरी बांटिया कर दी, घर बांटिया कर दी। 2028 तक मोदी जी देंगे, दे रहे हैं। अरे ये तो जुमला है, इसका जुमला है, ये नहीं देगा कुछ भी, ये वोट लेने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देगा, ये विदेश में रहेगा। नौकरी भी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं नौकरी, हमको नहीं मिल रहा। 2 करोड़ रोजगार दे, कहाँ गई नौकरियाँ, नौकरियाँ तो खत्म कर दी इसने। हमारे हरियाणा में कम से कम 35 पेपर लीक हो चुके हैं, इनकी साजिश ही यही है, जब भी वो नौकरियों के विज्ञापन निकलवा के कह रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस का राज्य है वहाँ पे विकास नहीं है, बीजेपी को लाओ, डबल इंजन को लाओ और विकास। अरे विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं है, विकास नाम की हिंदुस्तान में कोई चिड़िया नहीं है। सुनिए सुनिए, डबल इंजन हरियाणा के अंदर, देश आजाद हुआ उस टाइम कांग्रेस इस देश को कंगाल करके चले गए थे अंग्रेज। कांग्रेस सरकार ने देश बसा दिया, कोई सड़क नहीं थी, कोई नहर नहीं थी, पक्की तो गई दूर, कच्ची भी नहीं थी, कांग्रेस ने तो देश बसा दिया सारा, और यो तो करे कराए पे पानी फेरने लग रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने तबाही मचा रखी, क्या मचा रखी तबाही, ये सब बिल्डिंग, सब सड़कें, सब कोठियां, सब नहरें, सब डैम, सब पक्की नहर, पक्के नाले, पक्की सड़कें, सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के मकान सब कांग्रेस ने बनवाए हैं। मोदी जी इतना रुपया 370 तलाक, मंदिर का क्या काम है जी, से ऊपर देखो जमींदार के पास जोताई की जमीन नहीं रही, रिश्ता किसी का हो नहीं रहा, मंदिर में तो किसकी मरवाओगे, मंदिर से क्या हो, किसकी तो पूजा करवानी, वो तो दिल में अंदर है। अमित शाह कह रहे हैं तेलंगाना में कि हमें वोट दो, हम फ्री में रामलाला का दर्शन करवाएंगे। भाई 2024 में कुछ नहीं मिलता इन थी, मोदी भी भूल जो, अमित शाह भी भूल जो, कांग्रेस सरकार अब की बार टक्कर में नहीं है मोदी के, टक्कर ना हो, ये जाट हैं बिल्कुल, एक दिल से एक ठोक बजा के वोट देंगे और कांग्रेस को लेके आऊंगे। नरोत्तम मिश्रा गृह राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं दूसरा दल अगर जीता तो पाकिस्तान में खुशी होगी, अगर बीजेपी जीती तो दहशत। राम ये पूरा विश्व में खुशी बनाना चाहूँ, ऐसी कौम है, बहादुर कौम है ये, अपनी अपनी खुशी नहीं वो चाहती है, ठीक है ना। मोदी जी से बोल दो या तो इनका भला कर दो, ना तो फिर अपना बिस्तर लपेट लो। मोदी क्या करेंगे अपना 2024 में क्या करेंगे आप लोग, अगर ये जो आरक्षण नहीं, हमने सड़क का नीचे दे के मारेगा रोज लड़ता है यूं करेगा, क्या एक असर रह रही है, बीच में बोल देंगे हैं, सीधी बात पड़ी। 2024 में जो सड़क जमाने वाले होते हैं ना रोलर, बोलते हैं इनको ओड़ा बिछाए के और ऊपर को फेरेगा हमारा है। मोदी जी कह रहे हैं बोला उठा के, बोल ही बात कर रहे हैं, पहले चलते 24 का पहला बीजे मोदी जी खाली कौन देगा दी मेरा, मोदी जी को खाली झोला खाली करवा के भेजेंगे। बात सुना है, ये तो रोलर पहले कील गाड़ी थी, पहले तो कील गाड़ी थी, अड़ा सिकरी बॉर्डर पे 1 साल लग, वहाँ कील उसी की गाड़ी उठी है, अरे वो कील ही भी थी पाड़नी पड़ेगी देख लो 24 का में। गरीब के बेटे हैं, फैमिली त्याग दी, परिवार त्याग दिया, गरीब के बेटे क्या, गरीब के बेटे दाम कहा, इनकी तो गाड़ी स्पेशल खड़ी है। तो इन लोगों से हमने बातचीत करी और ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, अगर 2024 तक इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो मोदी को गिरा देंगे, मोदी पे रोड चढ़ा देंगे, ऐसा कहने की ये लोग बात कर रहे हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता आवाज़।